वाया बिहार होकर मिली एक और नई सुपरफास्ट हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन जो कि चलेगी झारखंड से। जानेंगे इस वीडियो अपडेट में इस ट्रेन के डिटेल्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेलवे के यार में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट। उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर ले सब्सक्राइब। जैसा कि हम जानते हैं, झारखंड से वाया बिहार होते हुए दिल्ली के लिए हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन चालू हो चुका है, लेकिन यहाँ पर रेलवे ने दो नई हमसफर ट्रेन का परिचालन दोबारा शुरू किया है। पहली ट्रेन जो कि मधुपुर से चलेगी और दूसरी ट्रेन भी मधुपुर से ही चलेगी। इस तरह मधुपुर को दो नई हमसफर ट्रेन का तोहफा मिला है और पहली ट्रेन का अपडेट हमने इसके पहले वाले वीडियो अपडेट में दे दिए हैं। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, जिसमें हम बताए हैं कि झारखंड से दिल्ली के लिए वाया बिहार होते हुए एक नई हमसफर ट्रेन का तोहफा जो मिला है उसका पूरा डिटेल्स उसी वीडियो में है। लेकिन इस वीडियो अपडेट में हम दूसरी हमसफर ट्रेन का अपडेट लेकर के आ चुके हैं जो कि चलेगी मधुपुर से ही। तो चलिए टाइमिंग के साथ साथ इस ट्रेन के स्टॉपेज की बात करते हैं। यह ट्रेन आनंद विहार से 04046 के साथ चलेगी और मधुपुर से यह ट्रेन 04045 के साथ चलाई जानी है। यह भी एक हमसफर सुपरफास्ट ट्रेन होगी जो कि आनंद विहार से 22 जुलाई से शुरू हो चुकी है और इसका परिचालन प्रत्येक गुरुवार को शाम में 5:20 पर देखने को मिलेगा। यह ट्रेन रात में 12:35 पर प्रयागराज पहुंचेगी और यहां से खुलने के बाद यह ट्रेन 10:15 पर मधुपुर जंक्शन भी आएगी। वापसी दिशा में यह ट्रेन 23 जुलाई को खुल चुकी है और यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी वापसी दिशा में। शाम में 5:05 पर इसका टाइमिंग रहेगा खुलने का मधुपुर जंक्शन से और प्रयागराज होते हुए यह ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। तो चलिए जान लेते हैं इस ट्रेन के स्टॉपेज के बारे में, उसके बाद बात करेंगे अन्य डिटेल्स के बारे में। यह ट्रेन मधुपुर जंक्शन से खुलने के बाद जेसीडी झाझा क्यूल मोकामा पटना आरा जंक्शन बक्सर के रास्ते चलाई जानी है और उत्तर प्रदेश में कानपुर सेंट्रल प्रयागराज और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर भी स्टॉपेज रहेगा। स्टॉपेज और रूट में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, केवल टाइमिंग में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। यह अपडेट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, साथ ही हमारे चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब।